अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज आमिर एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करूंगा कि आप सब बिल्कुल खैर वाफियत के साथ होंगे और आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज 11 अगस्त है और थर्सडे का दिन है, 2022 है और खास तौर पर आज हम जिन पेयर में ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने जा रहे हैं और सबसे पहले उनके फंडामेंटल की बात की जाए तो आज 4 बजे जो है वो ऑलरेडी एक पाउंड का फंडामेंटल है। हाउस की जो प्राइस होती है उसकी बैलेंस जो है वो आने वाला है। इसके अलावा जो डॉलर है कि डॉलर की न्यूज है 5:30 बजे, पीपीआई है, कोर पीपीआई है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। इसके अलावा जो है वो खास तौर पर 10 बजे और 10 बजे के करीब करीब जो है वो डाटा पॉइंट मजीद रिलीज होने वाले हैं, जो कि एक तो पेट्रोलियम के बारे में, पेट्रोल की गैसेस प्राइसेस के बारे में और साथ के साथ 10 ईयर बाउंड एक्शन है। कल की बात की जाए तो कल डॉलर की जो न्यूज थी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, जो कि सीपीआई की थी और देखा जाए यहाँ पे तो 0.0% है, 0.03% है। ये अलर्ट कर रहा है कि जो डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि उसमें बेहतरी के बेहतरी है। अब हम बात करते हैं, सीधा आते हैं अपने गोल्ड के चार्ट पर। और गोल्ड के चार्ट पर आए तो अमूमन आप अगर यहाँ से देखें तो काफी टाइम से एक गोल्ड के अंदर अच्छा खासा जो है वो ट्रेंड था अपसाइड का, जो कि एक अच्छा खासा जो है काफी टाइम तक चला है। लेकिन अब ये जो ट्रेंड है वो शिफ्ट होने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि डॉलर में बेहतरी इसका मतलब है गोल्ड जो है वो अब डाउन साइड की तरफ जो है वो गिरना शुरू करेगा। तो सबसे पहले बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी कंसोलिडेशन है और उस कंसोलिडेशन के साथ जो है वो एक लेवल यहाँ मौजूद है जिसकी प्राइस है 1780.409 की। तो यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट है, बट ये सपोर्ट मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर प्राइस जो है वो एक VSC की जुबान में शेकआउट और प्राइस एक्शन की जुबान में यहाँ पर पिन बार जो है वो या हैमर जो है वो क्रिएट करेंगी। उसके बाद प्राइजेस के जैसे आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर एक पिन बार जो है वो बनी हुई है, इस तरह से बनेगी। उसके बाद प्राइजेस होल्ड करेंगी और बायर की कंफर्मेशन आएगी, देन आप यहाँ से बाय करेंगे इस पॉइंट तक। ये है हमारी गोल्ड की जो है वो ट्रेड है की, और हमारा जो SL है वो ये वाला होगा। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो यूरो के हवाले से, तो यूरो के हवाले से हम लोग जो है वो सेल की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे। उसके वजह ये यहाँ पे देखें तो ओवरऑल एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन थी। कल के दिन मार्केट में एक SL हंटिंग प्रोसेस हुई है, अब जो है प्राइजेस नीचे आके जो है वो बंद होना शुरू होंगे और फिर प्राइजेस ने नीचे की तरफ जो है वो अपनी रूटीन को स्टार्टअप करना है। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड है, यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट मौजूद है प्राइजेस का यहाँ पर आना और आने के बाद यहाँ पर होल्ड करना और सेलर की कंफर्मेशन आ, देन हम यहाँ से सेलिंग कर दे सकते हैं इस पॉइंट तक। जो हमारा प्राइस है वो है 1.03250 की, हमारी जो है वो प्राइस यहाँ पर है सेलिंग की। सेम लाइक दैट यहाँ पर अगर हम बात करें तो पाउंड के लिहाज से, पाउंड के लिहाज से मुझे थोड़ा सा जो है वो मैं बोलूंगा कि प्राइजेस जो है पुल बैक जाएंगे और यहाँ पर जाके एकदम से बाहर निकल सकती है, उसके बाद जो है प्राइजेस वापस आएंगे, देन फिर हमें ये लेवल जो है वो रीटेस्ट और होल्डिंग, सेलर की कंफर्मेशन, देन यहाँ से सेल करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो पाउंड को आप कोशिश कीजिएगा कि मैं तो ये बोलूंगा कि थोड़ा सा वेट कर ले, अगर प्राइजेस जो है वो बाहर की साइड जाती हैं देन फिर वो पुल बैक करके वापिस आती है, देन हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं US 30 में। US 30 में डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है तो स्टॉक मार्केट में मूवमेंट जो है वो बेहतरी आने के चांसेस होते हैं, बट फिलहाल जो है हम यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास ये एक सपोर्ट एरिया है, ये लेवल है, प्राइजेस का ब्रेक करना, रीटेस्ट करना एंड देन सेल हम करेंगे टिल दिस पॉइंट तक। उसके बाद हम बात करें यूरो JPY के हवाले से। यूरो JPY में हम जो कल डिस्कस कर रहे थे, अमूमन हमारे पास ये एक कंसोलिडेशन एरिया था, ये एक ब्रेकआउट था, ये एक लेवल था, प्राइजेस ने वहीं पर आके अगेन होल्डिंग करना शुरू कर दिया। ये एक प्राइजेस यहाँ पर एक पिन बार बनाती है एंड देन होल्डिंग एंड बार की कंफर्मेशन, देन आप यहाँ से बाय कर सकते हैं टिल दिस पॉइंट तक। ठीक है, और ये जो प्राइस है वो है 136.700 की। तो ये हमारे पास आज 4 से 5 ट्रेड है। ट्रेड लेने से पहले लाजमी रिस्क मैनेजमेंट की देगा। मिलते हैं शायद नई वीडियो में, अपना अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।